अयान उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। फालतू से पूछता है कि क्या वह ठीक है। फालतू को इस तरह बेहोश होता देख मायावती चौंक जाती है और फालतू का पैर देखकर चीख पड़ती है। वह सभी को फालतू के पैर पर नुकीले निशान दिखाती है, यह बताते हुए कि फालतू को एक सांप ने काट लिया है। अयान यह सुनकर घबरा जाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। यह प्रार्थना करता है कि फालतू बच जाए। क्या यह तनीषा का नया प्लान है? क्या एक्स्ट्रावगांजा सर्पदंश से बच पाएगा?